सभी को नमस्ते। और मैं आज बताना चाहता हूं कि कितना चेंज आया है अपने देश के स्पोर्ट में। काफी मुझे लग रहा है कि हर चीज से लेके, चाहे उसमें एथलीट्स के जीतने की बात है, मेडल्स की, अलग अलग स्पोर्ट्स में, या फिर नए टैलेंट के उभरने की बात है, या फिर डाइट की बात है, कैंप्स की बात है, तो बहुत ही अच्छा बदलाव आया है। हाँ, कोविड की वजह से हम बोल सकते हैं थोड़ी प्रॉब्लम रही। काफी जो नए बच्चे थे, जो ट्रेनिंग शुरू कर रहे थे, उनके लिए थोड़ी दिक्कत रही, या जो कैंप्स में थे, या एक्सीलेंसी जो एनसीओई होता है उसमें बच्चे थे, उनकी इतने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी ऐसे माहौल के बावजूद भी हमारे देश में कैंप चले हैं और उनका ध्यान भी रखा है। साथ में अगर ओलंपिक्स के साथ साथ पैरालंपिक्स इतना अच्छा हुआ है, और दोनों में ही, ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में इस बार इतने जबरदस्त रिजल्ट रहे हैं कि सबसे ज्यादा मेडल इस बार आए हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, एक यही एग्जाम्पल बहुत है ऐसा दिखाने के लिए कि हमारा देश धीरे धीरे करके स्पोर्ट्स में कितना आगे बढ़ रहा है, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स है। और पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को स्पोर्ट्स में जाने के लिए, और बच्चे भी बहुत ज्यादा अभी दिख रहे हैं स्टेडियम्स में। तो मुझे यही दर्शाता है कि हाँ, जब बच्चे स्टेडियम में ज्यादा आने लगे और पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें, तो इसका मतलब कि ऑलरेडी हम काफी स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से तो मैं बस एक खिलाड़ी होने के नाते यही कहूंगा कि सभी देशवासियों को स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ जरूर खेलना चाहिए, अपनी फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए। चाहे आप कुछ भी खेलो, कुछ भी करो, दिन में आधा घंटा एक घंटा अपने शरीर को जरूर दो। उससे स्पोर्ट्स का माहौल भी बनता है और हम फिट भी रहते हैं, और हमारा देश ऑलरेडी एक स्पोर्टिंग पावर बन सकता है। तो धन्यवाद, आप सभी ऐसे स्पोर्ट्स का साथ देते रहिए, अपने बच्चों को खिलाइए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और जो भी उनका सपना है उसको पूरा करने में उनका साथ दें। थैंक यू।